हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्मार्ट किचन हिंदी में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चॉकलेट कपकेक की रेसिपी। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने एक बाउल लिया है और 2/3 कप हमने दूध लिया है। दूध हमने रूम टेम्परेचर का लिया है और 1/4 कप हमने रिफाइंड ऑयल लिया है। आप चाहे तो फ्रेंड्स ऑयल की जगह पे मेल्ट किया हुआ घी भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने 2/3 कप पीसी हुई चीनी ली है। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। अब हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमने यहाँ पे एक छलनी ली है और मैदा को हमें छान कर लेना है, तो इसलिए हम मैदा को छलनी में डाल देंगे। तो 1 कप हमने मैदा लिया है। और 1/4 कप हमने कोको पाउडर लिया है। कोको पाउडर को डाल देंगे। सभी इंग्रेडिएंट्स को हम छान लेंगे। छान कर हम इंग्रेडिएंट्स को लेते हैं तो बहुत ही फ्लफी हमारा केक बनके तैयार होता है, इसलिए हमें छान कर ही लेना है। तो यहाँ पे हमने सभी इंग्रेडिएंट्स को छान लिया है। अब हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और हमें बैटर बना लेना है। एक ही डायरेक्शन में हमें मिक्स कर लेना है और बैटर बना लेना है। फ्रेंड्स, ये कपकेक बहुत ही इजी तरीके से बनके तैयार होते हैं और बिना ओवन के। तो यहाँ पे मुझे बैटर थोड़ा थिक लग रहा है, तो अब हम इसमें और दूध ऐड करेंगे। स्मूथ सा बैटर हमें तैयार करना है। तो यहाँ पे हमारा बैटर देखिए फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे से बन गया है। तो हमने यहाँ पे केक बनाने के लिए 4 कटोरी ली है। एक ही साइज की हमें कटोरी लेना है। तो यहाँ पे हमने बटर पेपर कट करके लगा लिया है कटोरी में। अब हमें ऑयल से ग्रीस कर लेना है। सभी कटोरी को हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। कटोरी को हमने ग्रीस कर लिया है और केक फुलाने के लिए हमने इनो का पाउच लिया है। इनो का पाउच हम केक में डाल देंगे और थोड़ा सा हम दूध ऐड करेंगे ताकि ये एक्टिवेट हो जाए। तो यहाँ पे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। बैटर हमारा अच्छे से एक्टिवेट हो गया है। अब हम कटोरी में बैटर डाल देंगे। तो बैटर को हमें आधी कटोरी तक ही भरना है, हमें बैटर को ज़्यादा नहीं भरना है। केक जब बेक होगा तो बैटर हमारा बाहर आ सकता है, इसलिए हमें आधा ही भरना है और 1/4 हिस्सा हमें ऐसे ही छोड़ देना है। सभी कटोरी को हमने भर लिया है और यहाँ पे केक को डेकोरेट करने के लिए थोड़े से मैंने चोको चिप्स लिए हैं। तो कटोरी में हम चोको चिप्स को डाल देंगे। मैं यहाँ पे कढ़ाई में केक बेक कर रही हूँ, तो यहाँ पे हमने कढ़ाई को गैस के ऊपर रख दिया है और 10 मिनट के लिए हमने प्री हीट कर लिया है और एक स्टैंड रखा है हमने। तो यहाँ पे हमने एक प्लेट ली है। प्लेट के ऊपर हम कटोरी को रख देंगे। चारों कटोरी को हमें रख देना है। तो प्लेट को हमने बराबर सेंटर में रख लिया है। तो एक एक करके हम रख देंगे। सभी कटोरी को हमने रख दिया है। अब हमें लीड लगाकर 20 से 25 मिनट के लिए केक को बेक कर लेना है। गैस की फ्लेम को हमने लो रखा है। लो फ्लेम पे हमें केक को बेक करना है। तो यहाँ पे हमारा केक बेक हो गया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो। तो अब हम टूथपिक से चेक कर लेंगे। तो देखिए टूथपिक यहाँ पे क्लीन आ रही है। अब हम केक को निकाल लेंगे। अब हमें बटर पेपर निकाल लेना है। तो हमने बटर पेपर निकाल लिया है और यहाँ पे हमारा केक रेडी है। तो फ्रेंड्स, बिना ओवन के हमारा केक कढ़ाई में बनके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।